उत्तराखंड के खटीमा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक पिता ने मामूली सी कहा सुने में अपने बेटे को लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी, जिसके बाद परिजनों ने युवक को गंभीर हालत में उपजिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां से चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें, ये मामला खटीमा के पकड़िया गाँव का बताया जा रहा है। दरअसल गाँव निवासी बादाम सिंह और उसका बेटा कमल सिंह घर पर परिवार के साथ खाना खा रहे थे। इसी बीच पिता बेटे में किसी बात को लेकर मामूली कहा सुनी हो गई। बात इतनी बड़ी कि पिता ने आवेश में आकर अपनी लाइसेंसी बंदूक से बेटे कमल को गोली मार दी। वहीं बताया जा रहा है कि विवाद संपत्ति को लेकर हुआ था और आए दिन बेटा पिता से के साथ संपत्ति को लेकर मारपीट करता रहता था। वहीं गोली लगने से कमल गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं उपजिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से ऑनर किलिंग की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां फतेहपुर में एक युवक ने अपनी बहन का सिर धड़ से अलग करके उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। यही नहीं, इसके बाद युवक उसका सिर लेकर थाने की तरफ जा रहा था कि तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं बता दें, दिल दहला देने वाले सनसनीखेज मामले के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई है। जानकारी के मुताबिक युवती बीते 25 मई को गांव के चांद बाबू के साथ फरार हो गई थी, जिसके बाद युवती के पिता ने चांद बाबू समेत 5 लोगों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों को खोज निकाला और युवती को घर वालों के हवाले कर दिया, तो वहीं चांद बाबू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि युवती का भाई रियाज उसके इस हरकत से नाराज चल रहा था। वहीं चांद बाबू से प्रेम संबंध के चलते युवती का अपने भाई रियाज से झगड़ा हुआ था। उसका भाई बहन के चाल चलन को लेकर नाराज था। पिता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक आरोपी युवक ने शुक्रवार अपनी बहन को घर के पास कपड़े धोने के लिए भेजा था। वहीं पहुंचकर उसने युवती पर कई वार किए और सिर ही धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वो सिर लेकर थाने की तरफ जा रहा था, तो वहीं बीच में ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी युवक ने पुलिस को बताया कि 7 जुलाई को चांद बाबू जेल से छूट गया था और युवती उसके साथ रहने का तय कर चुकी थी, जिसके चलते उसकी बहन से बहस भी हुई थी। युवक ने बताया कि उसने अपनी बहन को पूरी रात समझाने की कोशिश की, लेकिन जब युवती ने बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने अपनी बहन की हत्या कर दी।